हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और फिजिक्सिफाई के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइक्लोन्स क्यों बनते हैं। अभी कुछ ही समय पहले इंडिया में मुंबई और गुजरात में एक साइक्लोन आया था, तो आज हम जानेंगे कि साइक्लोन समंदर में क्यों बनते हैं। व्हाई द साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन द ओशियन। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो साइक्लोन्स हैं वो हमेशा गर्मियों में आते हैं, क्योंकि साइक्लोन के बनने का जो मेन रीज़न होता है हॉट ओशियन वाटर ही होता है। देखिए शुरुआत कैसे होती है। जो मान लीजिए समुंदर है, समुंदर का पानी है, बहुत जब पानी बहुत गर्म होता है तो जो सरफेस होता है उस सरफेस के पास की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। फिर वो एयर ऊपर की तरफ चली जाती है गर्म होके, और क्योंकि वो जो सरफेस की एयर ऊपर चली गई है तो सरफेस के आसपास जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया, इसलिए हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ आएगी। यहाँ पर जो कोल्ड एयर थी वो यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन जब वो एयर यहाँ पर आएगी, क्योंकि ओशियन का पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो भी हॉट हो जाएगी, वो भी ऊपर फिर जाएगी। फिर जो दूसरी एयर है जिसका प्रेशर ज़्यादा है तो वो यहाँ पर लो प्रेशर तरफ फिर आएगी, और ये प्रोसेस चलती चलती जाएगी और जो स्पीड है एयर की वो बढ़ती ही जाएगी। ये यानी आप ये बोल सकते जो एयर है वो स्पिन करना चालू हो जाती है। ये तो एक चीज़ हुई, स्पिनिंग एयर। दूसरा चीज़ क्या होती है, जब ये एयर हॉट होके ऊपर की तरफ गई तो ऊपर जाके वो उसका टेम्परेचर लेकिन कम हो जाता है, तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडी हो जाती है, ठंडी होके वो बादल बन जाती है। तो अब दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गई आपकी एयर सर्कुलेट कर रही है और दूसरे बादल, वो बादल भी उनके साथ सर्कुलेट करना चालू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब लगातार जब ये स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब ये स्पीड माइल्स पर आवर बढ़ जाती है तो उसको हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं कि वो उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, बोलेंगे समंदर के अंदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म। लेकिन जब उस एयर जो स्पिनिंग एयर है उसकी स्पीड अगर 74 माइल्स पर आवर हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल, ये साइंटिफिक टर्म है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे उसको। तो एयर की स्पीड डिफाइन करती है कि उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। अगर वो जो स्पिनिंग एयर है उसकी स्पीड अगर 39 माइल्स पर आवर तक है तो वो सिर्फ स्टॉर्म है, लेकिन अगर उसकी स्पीड 74 माइल्स पर आवर या उससे ज़्यादा हो गई तो हम उसको बोलेंगे साइक्लोन। तो ये था कि साइक्लोन कैसे बनता है। तो अगर मैं समराइज करके आपको बताऊं तो कुछ भी नहीं है, समंदर का पानी क्योंकि गर्म होता है तो ये जो एयर है वो भी गर्म हो जाती, तो वो ऊपर गई, फिर ठंडी एयर नीचे आई वो भी गर्म होकर ऊपर गई, और इसी तरह एयर ऐसे घूमना चालू हो जाती है। तो एयर जब स्पिन करती है तो उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती चली जाती है। तो अगर बढ़ते बढ़ते स्पीड अगर 74 माइल्स पर आवर हो जाती है उसकी तो हम बोलेंगे कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ये हमेशा गर्मियों में आता है क्योंकि साइक्लोन बनने का मेन रीज़न ही समंदर का गर्म पानी होता है। अब जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर नॉर्थ की साइड अगर कोई स्टॉर्म बनेगा तो उसका जो स्पिनिंग की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और साउथ में होगा तो वो क्लॉकवाइज होगी। ये अर्थ की जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से होता है। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट कि जो साइक्लोन कैसे बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर आप अपना क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको पजल कर रहा है, परेशान कर रहा है, समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हम उस कॉन्सेप्ट को वीडियो के जरिए आपके साथ डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपसे। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, चैनल वाला जो बटन वो भी क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।